सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आप देख रहे हैं हैप्पी वर्ल्ड। सो आज ना हम उमरा जाने के लिए टिकट बनाने वाले हैं बस का। सो हम कार में भी जा सकते थे, पर यहाँ का ना वेदर बहुत मतलब बहुत ख़राब है, मतलब बहुत गर्मी है यहाँ पर। सो इसलिए हम लॉन्ग ड्राइव मतलब कार में तो नहीं जा सकते, और बस में जाएंगे तो दो फायदे हैं। एक तो हमारे डैड को इतना लंबी ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी, और बस में ना आराम से हम जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम बस में गए थे तो अच्छा था। तो गाइस, पहले ना हम लोग कार में भी गए थे, फ्लाइट में भी गए थे, और बस में भी गए थे, और इन तीनों में ना अलग अलग एक्सपीरियंस था, पर इस बार हम लोग बस में जाने वाले हैं। सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमारा प्लान है कि हम 28th या फिर 31st जुलाई को जाएं, पर हमें कौन से दिन का टिकट मिलेगा ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग अब निकल चुके थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सात का फेवरेट मैकडोनल्ड्स, जो कि पहले सात उसे मंडोला बोलता था, और वो हम यहाँ कभी भी जाते हैं वो कहता है कि मुझे मंडोला चाहिए, मंडोला चाहिए। सो हम उसे उस बात में अभी भी चिढ़ाते हैं। तो अब जो है हम लोग निकल रहे हैं, मतलब पहुँचने वाले वहाँ पर, और ये जो है अल वहाब, यहाँ पर हमें मिलता है बस का टिकट, उमरा जाने के बस के टिकट। ये बस यही मिलता है, कई और जगह भी मिलता होगा पर यहाँ बेस्ट है। और ये जो है मेरे मॉम वीडियो निकाल रहे थे, तो हम लोग वही बात कर रहे थे, और यहाँ पर साथ देख रहा था कि क्या क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से खिलौने हैं, ये जो है मेरा पहले मैं बहुत बहुत पसंद थे मुझे, मतलब अभी भी पसंद है। और ये जो आप देख सकते हैं वहाँ छोटी सी रिक्शा है, वो मेरे पास अभी भी है, ग्रीन कलर वाली, जो कि हमने ख़रीदा था इस समय नहीं, बहुत टाइम पहले। और यहाँ पर ना हमें बहुत गर्मी लग रही थी, तो हमने हमारे डैड को बोला कि हमें ये चाहिए, क्या शुगर केन जूस। सो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला, तो आप वही देख लीजिए। तो यहाँ पर ना गर्मी है, तो हम शुगर केन का जूस पीने के लिए आए, और हमारे पापा वहाँ पर लेने के लिए गए, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, बस हम लोग भी उमरा करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर लाइव ये था, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पर ना मैंने स्मॉल वाला जूस मंगाया था, हम तीनों ने स्मॉल वाला जूस मंगाया था, मैं, आहिल और साद ने, और यहाँ पर मैं पी रहा था, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और आहिल ना ज़बरदस्ती पी रहा था, उसका आप चेहरा ही देख सकते, ये देखो। सो उसे ना असल में बहुत पसंद ही नहीं है उसे ये शुगर केन जूस। और यहाँ पर ना मैं बात कर रहा था मेरे मॉम से, तभी उन्होंने वीडियो निकाला, और फिर मेरे को पता चला कि वीडियो चालू है। सो फिर मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो गया, और मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं डाल ही देता हूँ। और यहाँ पर ना अब हम लोग वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं, मेरे मॉम एंड डैड ने बोला कि हमें थोड़े से वेजिटेबल्स लेने। सो मैंने बोला ठीक है, हम लोग कार में ही बैठते हैं। सो अब जो है वो वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गर्मी थी बाहर, इसलिए मैं कार में ही बैठ गया था। सो मैंने मेरे डैड को बोला कि वो थोड़ा शूट करें, क्योंकि मैं तो कार में बैठा था, इसलिए क्योंकि बहुत गर्मी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं, और फ्रूट्स भी मिलता है। जो लोग सीखों में उन्हें तो पता ही होगा, जो लोग सीखों में नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और वैसे भी मैं खोबर साइड रहता हूँ, सो मैं कभी कभी मतलब मैं और हमारा पूरा फैमिली कभी कभी इधर आते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पर बहुत फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। और ये जो मैं आपको अंदर रह के शूट करके बता रहा था, तो बस हमें ना 31st का टिकट मिल गया है। और यहाँ पर ना मेरे डैड को थोड़ा सा सिर्फ हेडेक हो रहा था, सो हम लोग ना चाय लेने के लिए रुके हैं यहाँ पर। और हमारे घर में ना मतलब मॉम और डैड को छोड़ के कोई चाय नहीं पीता, सिर्फ आही, मतलब साथ और मैं ही नहीं पीते चाय, बाकी सब लोग पीते। तो ये कहना था मुझे गाइस, और एक फन फैक्ट बताऊं, 30 जुलाई को मेरे छोटे भाई का बर्थडे है गाइस। सात का बर्थडे है। मैं सोच रहा हूँ कि सात के बर्थडे का भी व्लॉग बनाऊं, हाँ ट्राई तो करूंगा बनाने की। सो गाइस, यहाँ पर जो है हमारा सब काम खत्म हो चुका था, तो इसलिए हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं।
सो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ये हमारे बिल्डिंग का गार्डन है, इसे देखने के बाद हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हम तो इसे गार्डन ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है। अब हम लोग ना घर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे घर के अंदर। सो हाँ, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।